नमस्कार जर लुर आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएल सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी ठीक है और देखिए फ्रेंड्स लेसन फाइव डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है अस्त्रा अनुसार में शब्दों वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना ठीक है अगर आपने इसके प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, तो आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां से जाकर देख सकते हो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए ठीक है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का उल्लेख कीजिए यानी देखिए ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का उल्लेख करना है तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि ध्वनि विज्ञान तथा भाषाई ध्वनि ठीक है भाषा विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि स्टेटमेंट है कि ध्वनि विज्ञान मानवीय वाघ यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण विवेचन एवं वर्णन करता है भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग यंत्र से उत्पन्न होती है तथा तो श्रोता के स्वर्ण इंद्रियों तक पहुँचती है यानी वह मुख्य बोलता है और स्वर्ण यानी वो उसका जो कान यानी जो सुनने वाला होता है ठीक है तो यहाँ पे यही बोला है कि स्वर्ण इंद्रिया ठीक है वहाँ तक पहुँचता है और विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है जिनके अंतर्गत उच्चारण से लेकर श्रवण तक के ध्वनि में वायुमंडल में जो स्पंदन वक्ता अपने वाघ श्रोता उसे अपने स्वर्ण यंत्र द्वारा सुनता है ये स्टेटमेंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है ठीक है यानी यह या भाषा विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि ध्वनि विज्ञान मानवीय वाघ यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण विवेचन एवं करता है ठीक है, है, है जिसमें जो ध्वनि वक्ता द्वारा क्या होता है? बोला जाता है और जो कुछ भी वो बोलता है वो श्रोता के स्वर्ण इंद्रियों यानी जो उसका कान होता है वहां तक पहुँचता है वैदिक ध्वनिया देखिए भारतीय आर्य भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनि समूह का प्राचीनतम स्वरूप वैदिक ध्वनियों के रूप में प्राप्त होता है और द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अनुसार इनकी संख्या 63 तथा यह अकरादी वाड़ों में विभाजित है जैसे आप देख सकते हो अ थ्री ठीक है यहाँ पे बड़ी ई फिर बड़ी ई तो इस तरीके से पूरा यहाँ दिया है तो ये किसके अंतर्गत आता है तो यहाँ पे पारी द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अनुसार इनकी संख्या तिरसठ है तथा यह अकरादी वर्डो में विभाजित है ठीक है तो फ्रेंड्स ये पहले हमने डिस्कस कर लिया है जिसमें देखिए आपका चार जैसे कि स और खटकोर वाला स छोटा वाला चार यम अनुस्वार ठीक है विसर्ग ये सभी क्या है कौ, जीवा मूल्य एवं प उपाधनीय उपलुप्त निकार और दुख स स्पर्श है तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमने डिस्कस किया है आगे बढ़ते हैं वैदिक ध्वनियों को जो उच्चारण आधुनिक युग में प्रचलित है वही उच्चारण यदि वैदिक काल में वैदिक काल में रहा होता तो यह आवश्यक नहीं है यानी सम्भता उच्चारण में पर्याप्त रूप से परिवर्तन हुआ होगा और प्राचीन शिक्षा ग्रंथों एवं विभिन्न ऐतिहासिक प्रमाणों तथा ध्वनि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित मूल वैदिक ध्वनियों के उच्चारण संबंधी विशेषताओं का निर्धारण किया गया तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम जैसे कि इस टाइम जो हम बोलते हैं उष् व्यंजन बट जो पारे के आधार जो था उस टाइम यानी वैदिक काल में यहाँ पे यम बोला जाता था ठीक है और अनुस्वार विसर्ग जीवा मूल्य है ये सब कुछ यहाँ पे इसी तरीके से बोला जाता है बट यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि वैदिक ध्वनियों का जो उच्चारण आधुनिक युग में प्रचलित है वही उच्चारण यदि वैदिक काल में रहा हो तो यह आवश्यक नहीं है ठीक है यानी जो इस टाइम हम उच्चारण कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वही उच्चारण वैदिक काल में रहा होगा ठीक है यानी वो कुछ और भी बोलते होंगे अब देखिए अक्षर का अर्थ लिखिए बीटीसी 2015 का प्रश्न अक्षर क्या होता है इसके बारे में बताइए अक्षर का अर्थ यानी जो नशवान न हो उसे अक्षर कहते हैं छर का अर्थ है नाश होना तथा तो अ का अर्थ होता है नहीं यानी किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन होता है और अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं और शब्द मिलकर वाक्य का रूप ले लेते हैं और अक्षर नाश रहते तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि अक्षर का अर्थ क्या होता है तो देखिए फ्रेंड छर का जो अर्थ होता है वो होता है नाश होना और अ का सिंपल है तो यहाँ पे वो सिंपल आपका हो जाएगा कि नहीं किसी भी अक्षर का नाश नहीं होता है ठीक है अब देखिए शब्द भी अनश्वर है अब देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने वर्णो उच्चारण शिक्षा में पतंजलि में महाकाव्य का अग्रलिखित श्लोक उद्धत किया है जिसमें इन्होंने जो श्लोक है अक्षर नचरम विद्या दर नोरतेसा सरोड़ अक्षरम वर्ण बाहु पूर्व सूत्र किम किमर्थ्यु पादी श्यते यानी इन्होंने अक्षर से रिलेटेड स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ण उच्चार शिक्षा में पतंजलि से महाकाव्य का अग्रलिखित श्लोक उद्धृत किया है जिसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा श्लोक दिया है अक्षर नक्षरम विद्यादर नुतेर्षा सरोड चरम वर्ण बाहु पूर्व सूत्र किम पदिश्य यानी आकाश से वायु का संरक्षण होता है तथा उसे जो अभिसरण होते हैं उनसे स्वर उत्पन्न होते हैं आकाश के परिमाणुओं व पदार्थों से वायु का स्पर्श होता है उसे जो ध्वनिया निकलती है वे व्यंजनों को जन्म देती है और आकाश में सदैव व्यंजनों को ही अभिव्यक्ति या जैसे बादल गरजता है तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो भी टकराती है जो भी उसमें से आवाज आती है वो एक ध्वनि लेकर पैदा होती है ठीक है देखिए अगला है कि वर्ड यानी अक्षर समूह का दूसरा नाम है वर्ड और वर्ड समस्त अक्षर समूह को दो वर्गों में विभक्त किया गया है और आप सभी को पहले ही पता है दो रंगों में रंजित है एक तो स्वर होता है दूसरा व्यंजन होता है जिन अक्षरों का उच्चारण फेफड़ों से स्फुटित होकर कंठ से होता हुआ मुख बिना यानी बिना अवरोध के निकलता है और नासिका द्वारा अभिव्यक्त होता है उसे हम स्वर कहते हैं और प्रत्येक स्वर उच्चारण में स्वतंत्र है और प्रत्येक स्वर किसी भी अन्य स्वर अथवा व्यंजन के संपर्क के बिना में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं ध्वनि जब पूर्ण रूप से व्यक्ति व्यक्त होती है तो उसे हम व्यंजन कहते हैं स्वर का स्वर के रूप में ही होता है और व्यंजन का या ध्वनि के रूप में होता है। प्रत्येक उच्चार करने में स्वर एवं ध्वनि का योग अथवा स्वर एवं व्यंजन का योग होता है और अक्षरों को वर्ड कहा जाता है स्वर स्वयं को स्वतंत्र होते हैं परन्तु बिना व्यंजन स्वर की सहायता से व्यक्त नहीं होता व्यंजन व्यंजन को उच्चारण के लिए व्यंजन से पहले अथवा बाद में किसी एक स्वर का होना आवश्यक होता है और मुख मुख अवकाश में वायु के संरक्षण द्वारा स्वरों का स्वरण होता है और व्यंजनों के उच्चारण हेतु मुख अवकाश में वायु को परस्पर घात आघात प्रत्याघात करना पड़ता है ठीक है यानी जो जिह्वा होती है कभी ताल कभी दंत इस तरीके से टकराती है तो फ्रेंड्स हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही अच्छे से आप सभी के साथ डिस्कस किया था ठीक है स्वर क्या होते हैं व्यंजन क्या होते हैं तो आई आई होप कि आपको पहले से ही सब कुछ याद होगा ठीक है ज्यादा टफ नहीं है और देखिए हिंदी में ध्वनिया हिंदी में ड एवं ढ ध्वनियों ध्वनियों का प्रयोग प्रायः अधिकांशता किया जाता है जैसे पढ़ना बूढ़ा मूढ़ा बढ़ी जोड़ना लड़ना काढ़ा बढ़ा लड़का इत्यादि ये विसर्ग मूर्धन्य होती हैं इन ध्वनियों को उच्चारण करने के लिए मूर्धा को रगड़ ध्वनि उत्पन्न की जाती है क्योंकि जो आपका ढ ढा होता है क्या होता है मूर्धन्य होता है ठीक है जबकि शुद्ध मूर्धन्य से में जीव को मूर्धा से केवल स्पर्श किया जाता है हिंदी की इन ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाने लगा और अब अब यानी और वहां अब बढ़ई को बढ़ी लिखा जाने लगा है यानी जैसे कि हमको पता जैसे कि आप सभी को पता है कि पहले इस तरीके से लिखा जाता था यहाँ पे बिंदी बट अब बढ़ई इस तरीके से लिखा जा रहा है विदेशी ध्वनिया देखिए विदेशी ध्वनिया विदेशी भाषाओं के संपर्क में आने से हिंदी में कुछ नए व्यंजन गए हैं जैसे फ फसल गमला जीप खरबूजा क काजल यानी इन ध्वनियों का उच्चारण वर्गीय ध्वनियों के अनुसार होता है परंतु इनमें घर्षण अधिक करना पड़ता है ठीक है कुछ विद्वानों के मत अनुसार इन इन ध्वनियों का उच्चारण नवीन रूप में करना चाहिए यद्यपि कुछ इन्हें मूल रूप में ही योग करना चाहते हैं इस विषय में एक अन्य मत यानी बहुत सारे मतभेद भी हैं ठीक है यानी कहा जा रहा है कि जिसके समर्थकों का सुझाव है सुझाव है कि नाटकों में यदि हम मुस्लिम वातावरण प्रस्तुत करना चाहें तो इनका उच्चारण मूल रूप से किया जा सकता है ठीक है जैसे कि आप सभी को आपने इस तरीके से भी देखा होगा ठीक है आपका फो जैसे फ होता है उसके नीचे बिंदी होता है ज ग ख आदि परंतु अन्य स्थानों पर यह ध्वनिया फ ज घ ख का उच्चार किया जाए और यह अंतिम मत ही अधिक व्यवहारिक है ठीक है तो आपने देखा भी होगा कि कोई कोई ऐसा शब्द होता है जिसमें इस तरीके से इस हम व्यंजन को ले लेते हैं अब देखिए अगला जो है वो है छ तथा ज्ञ की ध्वनिया हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत छ तथा ज्ञ की ध्वनिया भी होती है इन ध्वनियों के अनुरूप शब्द भी बनाए जाते हैं जैसे क्षमा क्षत्रिय क्षेत्र रक्षा शिक्षा मोक्ष इत्यादि संस्कृत व्याकरण में ही छ का व्यंजन क एवं स के संयुक्त बनता है इस प्रकार ध्वनि उच्चारण के विषय में भ्रम नहीं होना चाहिए इसमें तनिक तनिक भी भूल हो जाने से इसका उच्चार तथा लेखन परिवर्तित हो जाएगा और उसका अर्थ भी भिन्न हो जाएगा अतः इसका उच्चारण करते समय क प्लस स की मिश्रित ध्वनि ही होनी चाहिए तब आपका ज्ञ का निर्माण छ का निर्माण होता है अब बात करते हैं ज्ञ का निर्माण किससे होता है तो ज्ञ का प्रयोग ज्ञान इत्यादि शब्दों में किया जाता है ठीक है ज्ञात भी हो जाएगा यहाँ पे ये बोल, बोला जा रहा है कि इस ध्वनि का उपचार करने में अस्त व्यस्त स्थिति पाई जाती है पंजाबी के निवासी उत्तर प्रदेश के निवासी तथा गुजरात के निवासी ज्ञ को ज्ञान के रूप में प्रयोग करते हैं ठीक है को के रूप में प्रयोग करते हैं और वेदों के विद्वान इसका उच्चारण य या, यानी आधा ज और य के रूप में यानी ज के रूप में करते हैं यदि उच्चारण के विद्वानों द्वारा किया जाता है तो संस्कृत के विद्वान पंडित सीताराम चतुर्वेदी ने संस्कृत का एक सूत्र इस रूप में प्रस्तुत किया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे अये रस ठीक है उन्होंने इस सूत्र के द्वारा ज तथा य के संयोग से वह शब्द बनाया और ब्राह्मी लिपि के शिलालेखों में भी यह प्रमाणित होता है वेदों की श्रुति माना माना गया है अतः वेद पाठ करने वाले जो उच्चारण सुनते आए हैं उसी की पुनरावृत्ति करते हैं और इन सब को ध्यान में रखते हुए ध्वनि का उच्चारण जो होता है वो ज और य के मिश्रित रूप में करना चाहिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी यही मत व्यक्त किया है कि आर्य समाज के क्षेत्र में ज का उच्चारण प्लस ज आधा ज और य में किया जाना चाहिए तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि जो आपका य का निर्माण हुआ है यहाँ माना जाता है कि आधा ज और य को मिलाकर ज का निर्माण माना जाता है ठीक है अब देखिए अगला जो कहीं कहीं आपने ग प्लस ग प्लस य भी देखा होगा। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मतभेद होता है ठीक है तो इतना ज्यादा टफ नहीं आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा अब देखिए यहाँ से आपका अगला जो प्रश्न है वो स्टार्ट हो रहा है तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं अब चलिए जो हमने डिस्कस किया आपको क्या कितना सब कुछ लिखना है इसके बारे में डिस्कस करते हैं ठीक है क्योंकि हम लास्ट में ये भी डिस्कस करते हैं कि हमने कौन सा प्रश्न डिस्कस करा और अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछता है तो आप किस तरीके से लिखेंगे जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो आपका फर्स्ट जो प्रश्न है कि ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनियों का उल्लेख कीजिए यानी यहाँ पे ध्वनियों का उल्लेख करना है ठीक है तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये लिखना होगा शुरुआत में कि भाषा विज्ञान के विद्वानों का कथन है कि ध्वनि विज्ञान मानवीय वाग यंत्र से विस्तृत भाषाई ध्वनियों का विश्लेषण विवेचन एवं वर्णन करता है और भाषाई ध्वनि वक्ता के वाग यंत्र से उत्पन्न होता है तथा श्रोता के स्वर्ण इंद्रियों तक पहुंचती है ठीक है ये जो तीन लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यह महत्वपूर्ण है कि वैदिक ध्वनि यानी भारतीय आर्य भाषाओं के ध्वनि समूहों का प्राचीनतम स्वरूप वैदिक ध्वनियों के रूप में होता है और पारणी द्वारा प्रदत्त शिक्षा के अनुसार इनकी संख्या कितनी है 63 थ्री तथा यह अकरादी वर्डो में विभाजित है तो ये बहुत ही आसान साथ आप याद भी कर सकते हो अ ठीक है ई बड़ी ई छोटी ई री तो ये सब कुछ लिखना होगा अब जरूरी नहीं है आप इतना भी लिख सकते हो या अगर जरूरी पूछे तभी आप इसको लिखना उसके बाद देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है सबसे महत्वपूर्ण कि वैदिक ध्वनियों का जो उच्चार आधुनिक रूप में प्रचलित है वही उच्चार यदि वैदिक काल में रहा होता तो यह आवश्यक नहीं है कि उच्चार संभवतः ऐसा ही होगा उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर हुआ होगा तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको पहला प्रश्न बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा दूसरा प्रश्न देखते हैं दूसरा जो आपका प्रश्न है अक्षर का अर्थ क्या होता है तो अक्षर यानी जो बना है शब्द इसका क्षर का मतलब होता है ना सुना और अ का मतलब होता है नहीं किसी भी यानी अक्षर का नाश नहीं होता है ठीक है और प्रत्येक स्वर तथा व्यंजन होते हैं तो इसलिए अक्षर जो है वो नाश रहित है और इसके संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती अगर आपको ये याद है तो लिखिए वरना इसको छोड़ दीजिए कोई जरूरी नहीं है अब देखिए वर्ण वैसे आप सभी को पता ही है वर्ण दो वर्गों में बांटा गया है स्वर और व्यंजन स्वर और व्यंजन की बस परिभाषा लिख देनी है उसके बाद देखिए हिंदी ध्वनिया हिंदी ध्वनिया ड और ढ के बारे में बताना है अधिकांशता इसका प्रयोग किया जाता है जैसे एग्जाम्पल के लिए पढ़ना बूढ़ा बड़ ही जोड़ना लड़ाई ठीक है ये सब किया जाता है और ये ध्वनिया विसर्ग यानी मूर्धन्य होती है और इन ध्वनियों को उच्चार करने के लिए मूर्धा से रगड़ ध्वनि उत्पन्न की जाती है जबकि शुद्ध मूर्धन्य में जीव को जो जीव होता है जीव को मृदा मृदा से केवल स्पर्श किया जाता है और हिंदी में इन ध्वनियों का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाने लगा है और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब संस्कृत भाषा में अब बढ़ई को बढ़ई लिखा जा रहा है यानी नीचे का जो एक डॉट है बिंदी है इसको हटाया जा रहा है और विदेशी ध्वनि में आप तो को पता है फो और नीचे बिंदी होता है तो इस तरीके से यूज किया जाता है ठीक है और छ तथा ग किससे मिलकर बना है तो बस बता देंगे क प्लस श को और उसके बाद अगर हम य की बात करें तो वैदिक काल यानी संस्कृत और महर्षि दया के अनुसार जो ज का निर्माण हुआ है वो आधा ज और य को मिलाकर बना है तो बस आप सभी को इतना ही प्रश्न याद करना है और जितना मैं लास्ट में, में बताऊँ उतना ही आप अपने कॉपी में नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा फ्रेंड्स तो आज के लिए आज के लिए इतना ही दीजिए और अपने फ्रेंड्स मिलते हैं इंग्लिश वाली क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक